हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, इसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स क्या हैं और इसकी सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। मतलब ये इस तरह का डिसऑर्डर है कि जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में जो है हम लैंग्वेज को, जो हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो चीज़ हम समझ नहीं पाते। अब इसकी बेसिक टू टाइप्स हैं, एक एक्सप्रेसिव और दूसरी है रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, जो हमारे माइंड में आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो नेक्स्ट पर्सन हमारे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है उसको हम अच्छे से समझा नहीं पाते। हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है कि हम ऐसे कौन से वर्ड्स चूज़ करें कि वो ईजिली समझ जाए। दूसरी है रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव ऐसी है कि पहली में क्या होता है कि हम अपने वर्ड्स को समझा नहीं पाते। रिसेप्टिव में क्या होता है, जो नेक्स्ट पर्सन हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी लैंग्वेज या उसके वर्ड्स को हम नहीं समझ पा रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे होते। बहुत दफ़ा ये देखा गया कि बहुत सारे बंदों में ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों टाइप्स की डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं या पाए भी जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, नंबर वन पे इसकी बेसिक सिम्टम्स में क्या है कि एक एज, जिस एज के बंदों को ये प्रॉब्लम होती है, उनकी वोकैबरी बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही स्लो वोकैबरी होती है। और दूसरा ये कि ऐसे जो बंदे हैं वो कन्वर्सेशन के दौरान ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिसको नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे वो बात करते करते इस तरह का यानी साइन देगा, या वो अननाउन चीज़ों को ऐड करना, अननाउन स्टफ़ को, चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देगा। उसके बाद ऐसे बंदे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि वो किस तरह का टेंस यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो प्रेजेंट की बात को पास्ट में बता रहे होते हैं या पास्ट की बात को फ्यूचर या प्रेजेंट में बता रहे होते हैं। और नंबर फोर कि वो बहुत ही कंफ्यूज और एक ही जुमले को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। उसके बाद जी ऐसे बंदों को जो है ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो नेक्स्ट बंदा हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। और बहुत दफ़ा वो जो चीज़ें सुन रहे होते हैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब कि किस तरह का क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया है, वो इसको भी नहीं समझ पाते। उसके बाद इसमें नंबर सेवन है, उनको ये इस चीज़ में डिफ़िकल्टी रहती है हमेशा कि अगर नेक्स्ट बंदा कोई जोक भी करता है, किसी तरह का कोई जोक या कोई कमेंट देता है, तो उस कमेंट या जोक को वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। अगर वो हंसने वाली बात करता है तो उसे हंसी नहीं आती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता। उसके बाद है कि ऐसे जो बंदे होते हैं वो कन्वर्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा जो है डिसइंटरेस्ट लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उस बंदे की कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। देखें, इसके सिंपल दो ही ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट ये है कि या तो हम उसे स्पीच थेरेपी देते हैं कि वो लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए और रिसीव कर सके, यानी स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। दूसरी,
अगर उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उसकी सोशल लाइफ, उसकी एकेडमिक लाइफ या एकेडमिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम साइकोथेरेपीज देते हैं, जिसमें उसको सिखाया जाता है कि आपने इस लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस करना है, अपने सोशल स्किल्स को किस तरह से इनक्रीज करना है या आपके जो एकेडमिक गोल्स हैं उनको किस तरह से अचीव करना है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप इजीली कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।